ग्राफिक डिजाइन हिंदी में इस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ओम और आज फोटोशॉप के इस एपिसोड में हम सीखने वाले हैं पैटर्न्स किस तरह से डिजाइन किए जाए और उन्हें क्लोथ्स पर, कपड़ों पर किस तरह से अप्लाई किया जाए। फैशन डिजाइनर्स, क्लोथिंग डिजाइनर्स, टेक्सटाइल डिजाइनर्स या फिर ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए ये वीडियो बहुत काम का है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम जो डिजाइन बनाते हैं उन्हें हमें किसी टी शर्ट पर या फिर शर्ट पर प्रिंट करके कैसे दिखेगा ये क्लाइंट को दिखाना होता है। ऐसे वक्त में इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जो आज हम इस एपिसोड में सीखने वाले हैं। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। गाइस, पैटर्न यहां पर अप्लाई करना या क्रिएट करना बहुत आसान है और उन्हें अप्लाई करने के लिए हमें इमेज की ज़रूरत होती है। तो ये रही वो इमेज जो मैंने इंपोर्ट की है। शर्ट का कलर वाइट है, मेरा सजेशन रहेगा आप वाइट कलर वाला शर्ट ही चूज़ करिए पैटर्न अप्लाई करने के लिए, या फिर प्लेन शर्ट यूज़ कीजिए। उस शर्ट में अगर बटन्स है, पॉकेट्स है या बहुत सारे रिंकल्स है तो आपका पैटर्न वहाँ पर अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जब आप मॉकअप बना रहे हैं या प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ट्राई कीजिए कि इस तरह की इमेज हो जो आपको आपका टाइम बचाने में मदद करे। ज़्यादा आपका टाइम इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए जब आप मॉकअप बना रहे हैं, इसलिए मैंने सिंपल सी इमेज यहाँ पर ले ली है। वैसे आने वाले एपिसोड्स में मैं सोच रहा हूँ कि जो क्रिटिकल शर्ट्स होते हैं, जैसे कि जिन पर ज़्यादा रिंकल्स होते हैं या ज़्यादा आर्टवर्क होता है, उन पर एक वीडियो बनाऊँ, उन पर एक पैटर्न अप्लाई करके आपको दिखाऊँ, ताकि आप क्रिटिकल से क्रिटिकल शर्ट्स पर भी आपके पैटर्न्स अप्लाई कर सकें। फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पैटर्न बनाने के लिए हमें स्क्वायर्स की ज़रूरत होती है। आप लोग शायद जानते होंगे, फॉर एग्जांपल टाइल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से जोड़कर ही हम फ्लोर बनाते हैं, और उनका डिज़ाइन भी देखिए सिमिलर लगता है, बिना टूटा हुआ सीमलेस लगता है। वही कंसेप्ट यहाँ पर काम करती है। हमें एक टाइल बनानी होगी और उसके अंदर हमें डिज़ाइन फिट करना होगा, और वो टाइल जब रिपीट होगी, यानी कि जब डिज़ाइन रिपीट होगा, तो वो सीमलेस लगेगा। पैटर्न यानी कि सिंपल सी कंसेप्ट है, एक डिज़ाइन बार बार रिपीट होता है तो हम उसे पैटर्न कहते हैं। तो वही हम करने जा रहे हैं। मैं एक कैनवस लेता हूँ, न्यू कैनवस, उसकी साइज़ में रखता हूँ 600x600 और रेजोल्यूशन रखता हूँ 300। ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर कोई डिज़ाइन बना देता हूँ, लाइक चलिए सिग्नेचर ही कर देते हैं, ऐसी फेक सिग्नेचर्स करते हैं। मैं बस कुछ भी कर रहा हूँ, ये कोई रियल सिग्नेचर्स नहीं है, जस्ट एक अब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। आजकल किसी भी तरह का फैशन चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मान लीजिए ये मेरा डिज़ाइन है और मुझे इसे रिपीट करना है, इसे पैटर्न बनाना है। पैटर्न बनाना बहुत आसान है। एडिट में जाइए और कहिए डिफाइन पैटर्न। जब आप पैटर्न डिफाइन करते हैं, कुछ नाम दे दीजिए लाइक सिग्नेचर, और अब इसे अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के लिए मैं एक नया लेयर लेता हूँ और एडिट में जाकर कहता हूँ फिल, और फिल में यहाँ पर कस्टम पैटर्न है, उसमें मैं सबसे लास्ट वाला जो है वो चूज़ कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ गैप बचा हुआ है जो कि ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर ब्रेक हुआ है, ये सीमलेस नहीं है। तो ऐसा गैप ना हो इसलिए हम एक फ़िल्टर का इस्तेमाल करते हैं जो है ऑफसेट फिल्टर, जो आपके डिज़ाइन को एक टाइल में डिवाइड करने के लिए आपकी हेल्प करता है, ताकि आपका पैटर्न प्रॉपरली नज़र आए बिना ब्रेक के। वो करने के लिए आपको सिंपली सी प्रेस करना है, यानी कि क्रॉप टूल, ऊपर की तरफ डिलीट क्रॉप्ड पिक्सल्स पर एक बार क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद इस तरह से आपको गाइड्स की तरह नज़र आएगा, जस्ट एंटर कीजिए और फिल्टर में जाकर, अदर में जाकर आप ऑफसेट पर क्लिक कीजिए। ऑफसेट आपके आर्टबोर्ड को या फिर आपके कैनवस को डिवाइड करता है, ताकि वो एक सीमलेस पैटर्न बना सके। हमने साइज़ ली थी 600x600 पिक्सल्स की। मेरा सजेशन है आप आपके कैनवस साइज़ के आधा यहाँ पर ऑफसेट रखें, फॉर एग्जांपल 300x300। तो जैसे ही आप ये करते हैं, देखिए बीच में एक गैप आ जाता है और ये चारों तरफ से प्रॉपरली डिवाइड हो जाता है, ताकि जब ये रिपीट होगा तो उनमें ब्रेक्स नज़र ना आए। तो मैं ओके करता हूँ। यहाँ पर कुछ खाली जगह बची हुई है तो सोच रहा हूँ कुछ यहाँ पे बना दूँ। तो मैं ब्रश टूल लेता हूँ और
चलिए सिंपल सा इस तरह से हार्ट शेप बना देता हूँ, ऐसे जस्ट हैंड ड्रॉन स्टाइल में मैं कुछ बना रहा हूँ मान लीजिए। वैसे भी सिग्नेचर्स फेक है, सब कुछ अब्स्ट्रैक्ट है, तो क्यों ना ये भी ऐसा ही किया जाए। और ऐसे यहाँ पर खाली जगह भरने के लिए कुछ ऐसे डॉट्स में ऐड कर देता हूँ सिंपल से। ये जस्ट एक सैम्पल है, आप आपके चॉइस के अनुसार डिज़ाइन बनाइए, मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन टेक्निक सेम ही है। तो ये बन गया मेरा जस्ट एक सिंपल सा डिज़ाइन। अब मुझे इसे एक पैटर्न में कन्वर्ट करना है, तो मैं अगेन जाऊँगा एडिट में, कहूँगा डिफाइन पैटर्न और नाम दे देता हूँ सिग्नेचर, ओके कर दिया। अब मैं जाता हूँ एक नया लेयर लेता हूँ, एडिट फील पैटर्न, उसमें नया जो अभी रिसेंटली सेव किया है वो, और ओके। देखिए पहले में डिफरेंस देखिए, यहाँ पर ब्रेक्स नज़र आ रहे थे, अब दूसरे में कहीं पर भी ब्रेक नज़र नहीं आ रहा है। यही फ़ायदा होता है इस फिल्टर में जो ऑफसेट वाला ऑप्शन है उसका, ये आपके डिज़ाइन को प्रॉपरली स्क्वायर में एक टाइल में डिवाइड करके आपको देता है, ताकि डिज़ाइन जो है वो कंसिस्टेंट लगे, सीमलेस लगे। तो अब मैं नीचे वाला पैटर्न हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मुझे ये पैटर्न इस शर्ट पर अप्लाई करना है, सिंपल सी बात है। मैं सबसे पहले इस शर्ट को ट्रेस करूँगा पेन टूल से, या फिर मैग्नेटिक लासो टूल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ये वाला। और मैं जस्ट इसके कॉर्नर से इस तरह से एक पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई हिस्सा अगर छूट भी जाता है या फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा उसमें कुछ ऐड हो जाता है तो टेंशन मत लीजिए, हम लोग बाद में उसे रिमूव कर सकते हैं। और वैसे भी जस्ट मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, आपको इससे भी अच्छी कटिंग करनी होगी अगर आपको अच्छा आउटपुट चाहिए तो। मेरा काम है टेक्निक्स बताना, और ये हो गया मेरा पाथ कनेक्ट। अब जो बचा हुआ हिस्सा है उसे मैं लासो टूल से कवर कर लूँगा लाइक दिस, जो नहीं चाहिए उसे अल्ट प्रेस करके हटा दूँगा। और अब मैं जाता हूँ पैटर्न वाले लेयर पे, ये है सिलेक्शन और ये है पैटर्न। मैं कर रहा हूँ क्लिक लेयर मास्क पे, लेयर मास्क ऐड करते ही बाकी जो हिस्सा था वो हट गया, सिर्फ सिलेक्शन के अंदर मेरा वो पैटर्न अब मुझे नज़र आ रहा है। ये है लिंक, अगर मैं ये लिंक तोड़ दूँ तो मैं इस पैटर्न को इस तरह से मूव कर सकता हूँ। अगर लिंक नहीं तोड़ता तो ये दोनों एक साथ मूव होंगे, ज़रूरत पड़ सकती है इस चीज़ की इसलिए बता रहा हूँ। कंट्रोल टी से मैं इसे छोटा कर सकता हूँ अगर ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो। वैसे पैटर्न्स अगर आप इलस्ट्रेटर में बनाते हैं और वेक्टर ऑब्जेक्ट में उनको कन्वर्ट करके यहाँ पर इम्पोर्ट करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, आप बाद में जाकर वो चेंज भी कर सकते हैं ईजिली। इलस्ट्रेटर में पैटर्न्स वगैरह किस तरह से बनाए जाते हैं उन पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वो ज़रूर देख लीजिए। तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर ये सेट किया है, लिंक जोड़ देता हूँ। अब मैंने सेट तो किया है बट ये बहुत ही पोर लग रहा है, फ्लैट लग रहा है, जैसे लग रहा है बस चिपकाया हुआ है कुछ उसके सामने। तो ब्लेंड मोड्स जो होते हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं एक अच्छा आउटपुट पाने के लिए। जो ब्लेंड मोड आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। मुझे मल्टीप्लाई ठीक लग रहा है तो मैं मल्टीप्लाई चूज़ करता हूँ। कई बार ऐसे होता है रिंकल, अब देखिए यहाँ पर देखिए ये फ्लैट डिज़ाइन, लेकिन ये रिंकल्स या फिर ये जो कपड़ा मुड़ा हुआ है वो थोड़ा अजीब लग रहा है। सो ऐसी सिचुएशन में हम एक काम कर सकते हैं, लिक्विफाई हम यूज़ करेंगे, फिल्टर में लिक्विफाई ऑप्शन है। मैं इस हिस्से को लॉक करना चाहूँगा क्योंकि अगर मैं यहाँ से मूव करता हूँ तो ये सब कुछ मूव होगा, तो मैं इस हिस्से को लॉक करता हूँ। लॉक करने के लिए यहाँ पर फ्रीज मास्क टूल है जो मैं यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं ये वार्प टूल लेकर इस सिग्नेचर को इस तरह से दबा देता हूँ ताकि ऐसे लगे वो कपड़े के पीछे की साइड में है। तो जहाँ जहाँ पर आपको रिंकल्स या फिर मुड़ा हुआ कपड़ा नज़र आए वहाँ पर आपको इस तरह से फ्रीज करना है, और आपका जो कुछ भी डिज़ाइन है उसे वार्प टूल से मैनेज करना है। मैं करता हूँ ओके। देखिए पहले ऐसा था अब ऐसा लग रहा है, थोड़ा नेचुरल वो लग रहा है। उसी तरह से यहाँ पर भी है, देखिए
यहाँ पर एक फोल्ड है बट ये फ्लैट है। तो हम लोग फिर से लिक्विफाई में जाएंगे, कहाँ पर गड़बड़ हुई है वो देखेंगे, वहाँ पर हम लोग मास्क अप्लाई करेंगे एंड हम लोग डिज़ाइन जो है वो इस तरह से मैनेज करेंगे। इसी तरह से आप जहाँ कहीं पर भी आपको लगता है कि फोल्ड है, गड़बड़ नज़र आ रही है, फिर वहाँ पर फ्रीज मास्क कीजिए, लिक्विफाई यूज़ करके वो गड़बड़ वहाँ से हटा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा गड़बड़ नज़र आ रहा है। इरेजर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोगों ने लेयर मास्क यूज़ किया है। सो सिंपली ब्लैक कलर आगे लीजिए और ये हटा दीजिए। लेयर मास्क का यही एक फ़ायदा है। ये बस एक एग्जांपल था, एक टेक्निक मुझे बतानी थी। अब आप आपके स्किल के अनुसार डिज़ाइंस बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर है, सेम टेक्निक है, आप यूज़ करके देखिए। इंस्टाग्राम पे टैग करना ना भूलिए। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ पूछिए, क्योंकि आप सब लोगों को पता है जितने क्वेश्चंस आते हैं मैं उन पर वीडियोस बनाता हूँ। मैं जितने वीडियोस बनाता हूँ आप सबका, हम सबका नॉलेज उतना ही बढ़ता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए प्लीज़ बी क्रिएटिव एंड हैप्पी डिजाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।